Welcome everyone. How are you? Today we will study Chapter 2, Exercise 2.2, Linear Equation in One Variable of Class 8 of NCERT book. Question number 11. Baicheng's father is 26 years younger than Baicheng's grandfather and 29 years older than Baicheng. The sum of ages of all the three is 135 years. What is the age of each one of them? यहाँ पर बेचेंग के फादर की एज को उसके फादर की एज से और उसके बेटे की एज से, मतलब कि बेचेंग की एज से कंपेयर किया गया है. और इन तीनों के एजेस की अगर हम एजेस का सम करते हैं तो वो कितना है? 135 years. What is the age of each one of them? तो हमें उन तीनों में से हर एक की एज निकालनी है. तो हम पहले इस स्टेटमेंट को अच्छे से समझते हैं कि बेचेंग के जो फादर हैं वो बेचेंग के ग्रैंडफादर से 26 इयर्स छोटे हैं, यंगर हैं. मतलब कि बेचेंग के फादर अपने फादर से 26 इयर्स छोटे हैं और अपने बेटे से एंड 29 इयर्स ओल्डर देन बेचेंग. अब बेचेंग जो है वो उनका बेटा है, बेचेंग्स फादर, उनकी एज को कंपेयर कर रहे हैं ना हम. तो 29 ईयर्स ओल्डर देन बेचेंग, वो अपने बेटे से 29 ईयर्स बड़े हैं और अपने फादर से 26 ईयर्स छोटे हैं. द सम ऑफ एजेस ऑफ ऑल द थ्री इज़ 135 और तीनों की एजेस का सम 135 है. तो हमें तीनों की एजेस कैलकुलेट करनी है. अब यहाँ पर बात आती है कि हमें सपोज क्या करना है, लेट क्या करना है. क्योंकि यहाँ पर लास्ट में जो है वो बेचेंग की एज के बारे में डिस्कस किया गया है कि जो बेचेंग के फादर हैं वो बेचेंग की एज से 29 इयर्स बड़े हैं. तो हम इस सम को पीछे से स्टार्ट करेंगे. तो लेट बेचेंग्स एज बी एक्स. मान लो कि बेचेंग की एज एक्स है तो बेचेंग के फादर जो हैं वो बेचेंग से कितने इयर्स बड़े हैं? 29 इयर्स. तो बेचेंग्स फादर एज क्या होगी? बेचेंग्स फादर्स एज इज एक्स प्लस 29. अब बात आती है क्योंकि यहाँ पर तीन लोग हैं, एक बेचेंग के फादर और एक उनके फादर, क्योंकि बेचेंग के ग्रैंडफादर का मतलब बेचेंग के फादर. तो बेचेंग्स ग्रैंडफादर की एज क्या होगी? बेचेंग्स के ग्रैंडफादर की एज बेचेंग के फादर की एज से 26 इयर्स ज़्यादा है. तो बेचेंग्स ग्रैंडफादर्स एज इज इक्वल टू, क्योंकि यहाँ पर ये गिवन है कि बेचेंग्स फादर इज 26 इयर्स यंगर. यंगर मीन्स बेचेंग के फादर 26 इयर्स छोटे हैं. तो इसका मतलब बेचेंग्स के ग्रैंडफादर जो है वो बेचेंग के फादर से 26 इयर्स बड़े हैं. तो उनकी जितनी एज है बेचेंग के फादर की, बेचेंग के ग्रैंडफादर की एज उसमें 26 ऐड करके आएगी. तो दैट मीन्स एक्स प्लस 29 प्लस 26. तो अब हमें तीनों की एजेस पता चल गई, बेचेंग्स एज x, बेचेंग्स फादर्स एज x प्लस 29 क्योंकि वो बेचेंग की एज से 29 इयर्स ओल्डर हैं, और बेचेंग्स ग्रैंडफादर एज वो क्या है? बेचेंग के ग्रैंडफादर जो हैं वो अपने बेटे से 26 इयर्स बड़े हैं क्योंकि बेचेंग के फादर जो हैं वो अपने फादर से 26 इयर्स छोटे हैं. हम इसको दो तरीके से डिनोट कर सकते हैं कि बेचेंग्स फादर इज 26 इयर्स यंगर देन बेचेंग्स ग्रैंडफादर. मतलब कि बेचेंग के जो फादर हैं वो बेचेंग के ग्रैंडफादर से 26 इयर्स यंगर छोटे हैं, या हम ये कह सकते हैं कि बेचेंग के ग्रैंडफादर जो हैं वो बेचेंग के फादर से 26 इयर्स ओल्डर हैं. तो क्योंकि हमें बेचेंग्स के ग्रैंडफादर की एज लिखनी है तो हम जो बेचेंग के फादर की एज है उसमें हम क्या करेंगे, 26 इयर्स और ऐड कर देंगे तो हमें बेचेंग्स के फादर की एज मिल जाएगी. सबसे ज़्यादा जो डिफ़िकल्ट स्टेप था वो ये था कि इन तीनों की एजेस को हम सपोज कैसे करें और उसको किससे कैसे कैलकुलेट करें. अब ये तीनों एजेस जो हैं वो हमारे पास एक्स के टर्म्स में हैं. तो एक और कंडीशन भी दी हुई है हमें, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन
सम ऑफ ऑल द थ्री एजेस इज 135. तो हम इन तीनों एजेस को ऐड कर लेते हैं. x plus x plus 29 plus x plus 29 plus 26, that is equal to 135. ब्रैकेट सॉल्व करते हैं. x plus x plus 29 plus x plus 29 plus 26 equal to 135. नाउ x प्लस x वाली टर्म्स को अलग से लिख लेते हैं. थ्री टाइम्स x है तो x plus x plus x plus 29 plus 29 plus 26 is equal to 135. इन तीनों को अलग से ऐड करते हैं, इन तीनों को अलग से. सो 3x प्लस एंड दिस विल बिकम 58 and 26 that is 84. 3x plus 84 equal to 135. सो 3x, x की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, 84 इधर जाएगा, 135 माइनस 84, 3x equal to 1 and 5. इनको माइनस करके हमें 51 मिलेगा. यहाँ से हम x की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, 3 मल्टीप्लाई हो रहा है इससे, तो इधर जाके ये 51 को डिवाइड करेगा. सो 51 अपॉन 3, सो x इज इक्वल टू, दिस कैन बी कैंसल्ड एंड x इज इक्वल टू 17. नाउ व्हाट इज x? हमने x किसको सपोज किया था? बेचंग्स एज को. तो दैट मीन्स हमें बेचंग्स की एज तो मिल गई. बेचंग्स एज इज x इक्वल टू 17 ईयर्स. देन व्हाट इज बेचिंग्स फादर एज? यहीं से ही हमें पता चल जाएगा, x प्लस 29 है. बेचिंग्स फादर्स एज इज x प्लस 29, दैट इज x हमारा है 17 और प्लस 29. x की वैल्यू हमने यहाँ पुट की तो ये हमें क्या मिला, 46 ईयर्स. देन बेचिंग्स ग्रैंडफादर्स एज, ग्रैंडफादर्स की एज कितनी है, ग्रैंडफादर की एज कितनी है, दैट इज x प्लस 29 प्लस 26. दैट मीन्स x की जगह हमने 17 पुट किया, प्लस 29 प्लस 26. सो दिस विल बिकम 9 and 6 15 and 7, 22 कैरी ओवर 1 2 and 2 4 and 2 6 and 1 7. So Beijing's grandfather is 72 years old. So we are having the ages of 3. ये जो Beijing's की एज कितनी मिली हमें, 17 years. Beijing's के फादर की एज मिली हमें 46 years. और Beijing की grandfather की एज मिली हमें 72 years. Next question is question number 12. 15 years from now, Ravi's age will be 4 times his present age. What is Ravi's present age? 15 years from now means अब जितनी एज है रवि की उससे 15 years पहले जो थी, पहले नहीं, अब से 15 years बाद, from now, अब से 15 years बाद. क्यों? अब हमें ये कैसे पता चला कि बाद, यहाँ तो आफ्टर या बिफोर लिखा ही नहीं हुआ. हमने इस स्टेटमेंट को अच्छे से समझना है. 15 years from now रविस एज विल बी मीन्स फ्यूचर की बात की है, फ्यूचर की बात की है. तो अब से 15 years बाद जो रवि की एज है वो कितनी होगी? 4 times his present age. जितनी उसकी एज अब है उससे 15 years बाद रवि की एज जो है अब से 4 times होगी. सो वट इज़ रवि's एज? रवि की एज कितनी है? तो अब इसका मतलब जब भी हम एज की बात करते हैं, और एज की बात करते हैं फ्रॉम नाउ या फ्रॉम हेंस या बिफोर या आफ्टर, तो हम उसको किससे कंपेयर करते हैं? अपनी प्रेजेंट एज से. तो प्रेजेंट एज को हम सपोज कर लेते हैं, क्योंकि हमें नहीं पता कि रवि की प्रेजेंट एज कितनी है, लेकिन हमें ये पता है कि 15 इयर्स के बाद रवि की एज जितनी अब है उससे 4 times होगी. अब कौन सी एज है हमें वो नहीं पता, तो हम क्या करेंगे? लेट प्रेजेंट एज ऑफ रवि, प्रेजेंट एज ऑफ रवि
is X. अब बात आती है आफ्टर 15 ईयर्स. आफ्टर मेंशन नहीं है बट विल बी फोर टाइम्स, दैट मीन्स आफ्टर 15 ईयर्स. तो आफ्टर 15 ईयर्स, 15 ईयर्स रविज एज क्या होगी? इसके अंदर एक्स प्रेजेंट एज है, इसके अंदर हम 15 ऐड कर देते हैं, तो 15 ईयर्स के बाद उसकी एज ये होगी. अब इन दोनों पे कंडीशन क्या लगाई हुई है कि जो 15 ईयर्स के बाद की एज होगी, 15 ईयर्स बाद, वो अब वाली एज का कितने टाइम्स होगी? 4 टाइम्स. दैट मीन्स एक्स प्लस 15, ये 15 ईयर्स बाद वाली एज है, वो किसके इक्वल है? 4 टाइम्स हिज प्रेजेंट एज. तो दैट मीन्स 4 × x, दैट मीन्स 4x. सो हमारी इक्वेशन क्या बनी? एक्स प्लस 15 इज इक्वल टू 4x. अब हमें क्या वैल्यू निकालनी है? x की वैल्यू निकालनी है. चाहे आप 4x को इस साइड ले आओ xx को सेपरेट करने के लिए और 15 को इधर ले जाओ, या फिर इस x को इस साइड ले आते हैं तो 15 इधर रहने देते हैं, 4x ऑलरेडी यही है, इस x को हम इधर ट्रांसफ़र करते हैं, ये प्लस है इधर तो ये माइनस हो गया, 15 इज इक्वल टू 3x. सो x इज इक्वल टू 15, ये आकर इधर डिवाइड हो जाएगा, x इज इक्वल टू 5. सो x इज इक्वल टू 5, दैट मीन्स रवि की प्रेजेंट एज क्या है? 5 ईयर्स. रविज प्रेजेंट एज इज 5 ईयर्स. क्वेश्चन नंबर 13 इज, अ रेशनल नंबर इज सच दैट व्हेन यू मल्टीप्लाई इट बाय 5/2 एंड एड 2/3 टू द प्रोडक्ट यू गेट 7/12. व्हाट इज द नंबर? यू गेट -7/12. व्हाट इज द नंबर? अब यहाँ पर क्या है, एक रेशनल नंबर है और वो इस तरह से है कि जब हम उसको 5/2 से मल्टीप्लाई करते हैं और जो प्रोडक्ट आता है उसके अंदर 2/3 ऐड कर देते हैं तो हमें क्या मिलता है? -7/12. व्हाट इज़ द नंबर? तो अब हमें ये नहीं पता कि ओरिजिनल नंबर कौन सा है, किसको हम मल्टीप्लाई करें 5/2 से और फिर उसके अंदर 2/3 ऐड करें, तो हमें नहीं पता. जो हमें नहीं पता उसको हम सपोज कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं. तो लेट द रेशनल नंबर इज, रेशनल नंबर इज एक्स. अब हमें क्या करना है? व्हेन यू मल्टीप्लाई इट बाय 5/2, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एक्स को क्या करेंगे? 5/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे. कितना आ गया? 5/2 एक्स. और फिर उसके अंदर क्या करना है हमने? ये हमने किया मल्टीप्लाई बाय 5/2, मल्टीप्लाई एक्स बाय 5/2. मतलब कि हमने एक्स को 5/2 से मल्टीप्लाई किया तो हमें क्या मिला? 5/2 मल्टीप्लाई एक्स इक्वल टू 5/2x. फिर जो हमें आंसर मिला 5/2x, उसमें हमने क्या किया? ऐड किया क्या? 2/3. ऐड 2/3, तो फिर हमें किसमें ऐड करना है? हमने इसके अंदर 5/2x प्लस 2/3, ये हमने इसमें ऐड कर दिया. तो हमें जब ये ऐड कर दिया तो हमें क्या मिला? -7/12. दैट मीन्स अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारी जो इक्वेशन बनेगी, दैट इज़ 5/2x प्लस 2/3 इक्वल टू -7/12. वॉट इज नंबर? हमने यहाँ नंबर क्या सपोज किया है? x. दैट मीन्स हमें x की वैल्यू मिल जाए तो हमें नंबर पता चल जाएगा. तो 5/2x इज इक्वल टू -7/12, इसको इधर ले जाते हैं, -2/3. सो 5/2x इस इधर हम एलसीएम ले लेते हैं 12, और 12 को 12 से डिवाइड किया तो 1, और 1 को -1 से मल्टीप्लाई किया तो -7. देन -12 को हमने 3 से डिवाइड किया तो 4 × 8 -8. अब इसके बाद हम ये स्टेप इधर ले रहे हैं, 5/2x इज इक्वल टू -15 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस और साइन माइनस का रहेगा, -15/12. अब हमें क्या करना है?
या तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, और या फिर क्योंकि ये 5/2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है एक्स के साथ, तो इधर आकर ये डिवाइड हो जाएगा। डिवाइड जब होगा तो इसका न्यूमरेटर जो है डिनोमिनेटर में चेंज हो जाएगा, और जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर में चेंज हो जाएगा। तो हमारे पास क्या रहेगा, और अदरवाइज आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से कर सकते हो, आपको जो मेथड ईजी लगता है आप कर सकते हो, बाई क्रॉस मल्टीप्लाइंग 5x मल्टीप्लाई 12 इज इक्वल टू -15 मल्टीप्लाई 2। सो 5x इज इक्वल, अब 5x को इधर ही रहने देते हैं, 12 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको इधर ले आते हैं, 15 -15 मल्टीप्लाई 2 अपॉन 12। यहाँ पर अब 5 यहाँ x से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 5 को भी हम इधर ले आएंगे, ये इधर आकर न्यूमरेटर है यहाँ, तो ये डिनोमिनेटर बन जाएगा। सो x इज इक्वल टू -15 मल्टीप्लाई 2 अपॉन 12 एंड मल्टीप्लाई दिस 5। अब हम इसको कैंसिल कर लेते हैं, 5 थ्री ज़ा 15 एंड 2 सिक्स ज़ा 12 एंड 3 वन ज़ा 3, 3 टू ज़ा 6। सो x इज इक्वल टू, ये माइनस भी साथ में है, हमें माइनस का ध्यान रखना है, -1/2। तो इसका मतलब रिक्वायर्ड नंबर क्या है हमारा, रिक्वायर्ड नंबर इज -1/2। थैंक यू।